वॉशिंग मशीन का ऐसा कब आ जा रहा है? भाभी मैं भी चलता हूँ। अब कहाँ चलते हैं? अब पहले यहाँ के देखिए, बिस्तर में से ऐसा चुरचुराहट का आवाज का आ रहा है। अच्छे से लेट के देखिए, आइए यहाँ, तब तक हम कपड़े देखते हैं। अरे बिस्तर तो भाभी जी की खुशबू से सरा बोर हो रहा है यार, इस पे लेटने की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन लेकिन यार ये बड़ा सुनहरी मौका है, हाथ से जाने दूंगा नहीं। क्या करूं समझ नहीं। ये कपड़ा बांध देता हूँ नाक पे, भाभी जी की खुशबू नाक तक आएगी नहीं। क्या मखमली बिस्तर है। ऐ बिस्तर, भाभी जी को इस पे सुकून की नींद सुलाना। हाय, ये गैर मर्द हमारी बहुरिया के बिस्तर पे ऐसे कैसे फैला हुआ है, है? अरे बैल का नाती, ये तुम्हारा बाप का बिस्तर है जो यहाँ फैले हो। अरे गलत समझ रहे, अरे मोटा लो, अरे अम्मा गलत समझ रहा है, अरे गलत समझ रहा है, अरे मोटा लो, मेरे जान ले लेगा। अरे बहुरिया, तुमको नहीं मालूम ये ससुरा तुम्हारे बिस्तर पर ऐसे फैला है जैसे कोई इंसान नहीं चद्दर है। हिम्मत कैसे हुआ ऐसे फैलने का है? शांत हो जाइए, कहा है ना कि ये जो बिस्तर है ना, ये बहुत बहुत दिनों से ऐसे चुरचुराहट का आवाज कर रहा है। अब सुन लो कैसी आवाज कर रहा है, देखो ये, देखो ये, देखो ऐसी आवाज करता है। हाँ, तो ये जो है ना, ये बढ़ई है, इसको हम ही बोले रहे कि आराम से लेट के जांच कर लो, उसके बाद इसको ठीक कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो अब काम हो गया तो निकलो ना। भाभी हमारी बॉडी में चिड़चिड़ाहट हो रही, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे चलता हूँ, पहले बताओ हमको कि चुरचुराहट का आवाज काहे आ रहा है? इसका दो पायरा ढीले हो गए, कल टॉकपीट का ढेर कर दूंगा, कल आऊंगा, मेरा तो काम हो गया। अरे जल्दी निकलो नहीं तो बहुत कुछ निकाल देंगे तुम्हारा। चलो जा रहा हूँ, जा रहा। अरे निकलो ना। अरे मार का अरे चप्पल छोड़ दें क्या? चलो बहुरिया सुनो, ये पंडित रामफल का सिद्ध किया हुआ चूरन है, ये चूरन का जो है बैल का खाने में मिला देना, उससे कहा है बैल का बदन में ऊर्जा आ जाएगा। हाँ, ऊर्जा का उका करेंगे वो ऊर्जा से आग लगेगा और वो आग में सिक करके एक फुल्लल्ला तुम्हारी गोद में आ जाएगा। युभे विभूति, इतना लेट कैसे हो गया? बम लगाने में देर लग गई यार, भाभी जी के सामने लगा नहीं सकता था, उनको बातों में उलझाया, यहाँ वहां किया उनको। तू मेरे घर में क्या कर रहा है बे? तेरा इंतजार। देख विभूति, ये जो कपड़े और गेटअप है ना, ये मैंने तेरे लिए अपने दूसरे दोस्त से रेंट पे लिए, अगर अभी हमने वापस नहीं लौटा है ना तो इसका एक्स्ट्रा रेंट भी बढ़ जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो उसे दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन तेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है यार। अब मैं शेखी खो रहे कि बड़ी बड़ी फेंकता है, बहुत पैसा, बहुत पैसा, स्कूटी में घूमता है। बहुत अनु का वीडियो कॉल आ रहा है, अब पे ऑडियो कॉल पहले वरना सही में मरेगा। हाँ हेलो माँ बेबी, माँ हनी बान, व्हाट माय बेबी डूइंग? विभु मैंने वीडियो कॉल किया है। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं चला। तो अब मालूम चल गया ना, चलो वीडियो ऑन करो। बेबी मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। क्यों नहीं कर सकते? मुझे तुम्हें देखना है, वीडियो ऑन करो। बेबी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं भी नहा के निकला हूँ यार, आई एम फुल मॉन्टी, यू नो। देखो बहाने मत बनाओ, मुझे तुम्हें अभी देखना है,
वीडियो ऑन करो ना प्लीज। ओके 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 ऑलराइट ओके ऑलराइट। पकड़ इसको। हेलो स्वीट हार्ट माय हनी बन, लुकिंग ग्रेट। क्या लग रही हो यार, माइंड ब्लोइंग। हाय बेबी, आर यू मिसिंग मी? ओह आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। एक मिनट, तुमने कहा कि तुम नहा के निकले हो लेकिन तुम्हारे बाल तो सूखे हुए हैं। सच बताओ क्या चल रहा है, क्या चक्कर है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कोई चक्कर वक्कर नहीं है यार, एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग में ना मैंने हेड बात लिया था, तभी मैंने बॉडी बात ले लिया, तो क्या कि आजकल मैं शिफ्ट में ना आ रहा हूँ। समथिंग डिफरेंट, एक्सपेरिमेंटिंग, यू नो। थोड़े अलग भी लग रहे हो, थोड़े सामले से, थोड़े डस्की से क्यों लग रहे हो? क्या ना, आज पूरा दिन मैं घर से बाहर था, धूप में इतना फिरा हूँ ना, तो ये सनबर्न हो गया मेरे को। I'll be all right, I'll be okay, I'll be good. अच्छा मैं रखता हूँ, I got to go. No, don't cut the call. No, Vibhu, no. अलादिक्य भैया जल्दी जल्दी खाना खाइए ना, कहे ना कि टीवी पर ना हमारा फ्रस्ट्रेट फिल्म आने वाला है। फ्रस्ट्रेट तो तुम हमें करती रहती हो पगली, क्या तुम फेवरेट कहना चाह रही हो? है सही पकड़े हैं। विभूति, ये न्यू सिम कार्ड वाला मोबाइल है, तू अपना मिशन शुरू कर दे। हम देखते हैं, आप खाइए। हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। हेलो, भाभी जी फोन उठा रही है। हाय दिया, काट दिए कछु भी। इको है। हेलो, क्या? हेलो, कौन है पगली? पता नहीं कौन है, बार बार कॉल कर रहा है लेकिन कछु बोल ही ना ही रहा है। हाँ देखे तो, ये बार तुमको बहुत सुनाएंगे। हाँ हेलो, का है? हाँ कछु काम धंधा ना है तुम्हारे पास, बार बार काहे कॉल कर रहे हमको? और देखो तुम हमको बहुत डिस्चार्ज कर रहे हो। डिस्चार्ज तो मैं हो गेला है तेरे प्रेम में, तो तुम डिस्टर्ब कहना चाह रहे लिए। सही पकड़े हैं, कौन हो तुम? तेरा दीवाना बोल रहे है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू रे। हाँ? क्या बात कर रही हो? रुको एक मिनट, लो फोन दो। क्या बे, कौन बोल रहा है? सुन बे, क्या तेरा मेरा बहुत लंबा बात होने वाला है, तेरा बाजू में वो कुर्सी रखे ला ना, कुर्सी पे बैठ जा, बैठ जा इशारा पत्ते, चल बैठ। हाँ ठीक है, ये ले बैठ गए, अब बोल, मरने का इरादा है क्या? मरने का नहीं, मारने का इरादा है। मेरा नाम है सैया साइको। क्या कहाँ से बोल रहे भाई साहब? एक गलती से मैं मुंह से बोल रहा है, तू कहाँ से सुन रहा है? और सुन, अगर तू गलती से भी मेरा नाम किसी को बोला ना, तो मैं तेरा गुर्दे में बम लगा के फोड़ डालेगा। ए जाने अभी मेरा बोल बच्चन, सुन, मैं तेरा कुर्सी के नीचे बॉम्ब फिट कर दिए रहा है, अगर तू उठेगा तो बॉम्ब फटेगा और तेरा बॉडी का बहुत छोटा छोटा टुकड़ा होएगा। बाप हमारे साथ ऐसा काय कर रहे हैं भाई? मैं तेरे को बताना चाहता है कि किसी का बेइज्जती करने का कितना बड़ा कीमत पे करना पड़ता है। लेकिन भाई साहब आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आप कुर्सी के नीचे? कच्चा सुन ले, कुर्सी से उठ के देख ले, फटेगा तो मैं सच्चा, नहीं फटेगा तो तू सच्चा। नहीं नहीं, आप बड़े लोग हो, आप झूठ काहे बोलोगे?
टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ए जकात की खीर के पिस्ते बात सुन लेगा क्या? हाँ। मैं बॉम्ब के अंदर ट्रांसमीटर फिट किया है, जो ही बोलेगा मुझे बरोबर सुनाई देगा क्या? तो सोच समझ के अपना मुंह का टोटी खोल लेगा। अगर तूने किसी को बोला कि तेरा बम के नीचे बम रखेला है, तो मैं यहाँ से रिमोट दबाएगा और तेरा बम बम हो जाएगा। चल भी चलता है क्या? अपन गुड नाइट बोलता है। हाय दिया, कहाँ हुआ लड़की की भैया, इतना परेशान कहाँ है और इतना पसीना कहाँ है छूट रहा है आपका? तुम्हें तो सिर्फ माथे पे पसीना दिखाई दे रहा है पगली, और तुम कहाँ जानो कि कहाँ से काका बह रहा है? आका बोले कुछ नहीं, तुम जाओ जा 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 के जाके खाना वाना खा लो, हम बाद में खा लेंगे, जाओ। लेकिन आपको भी तो रखा है, ठंडा हो जाएगा ना? अरे हम तो खुद ही ठंडे हो रहे हैं यहाँ पर बैठे। तुम जाओ खाना खा लो, यहाँ ला देते हैं। हाँ यहाँ खाना ला दो, हम बाद में खा लेंगे। क्या मलखान, मैं क्या कहता हूँ यार, ये जो करमजलो टिल्लू है ना, जाको इस जन्म में तो तनख्वाह ना मिलेगी यार, पक्की बात है। सही कह रही है टीका। अरे इस जन्म में तनख्वाह मिलने से तो रही, अब अगले जन्म में तिवारी सेठ से तनख्वाह बस बोलेगा टिल्लू। यार टीका, ये टिल्लू की आवाज गूंज काय रही है गई यार। हाँ यार, बड़ी भूतिया सी आवाज लग रही है। अबे भूतियों, थोड़ी देर के बाद आवाज के साथ साथ मैं खुद भूत बन जाऊंगा। ऊपर देखो। ए टिल्लू, तू सारे टीला पे का कर रहा है? रन, नीचे आजा ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ भी हवा चल रही है। मैं हवा खाने नहीं चढ़ा हूँ मेरे भाई, टिल्लू टीले पर अपनी जान देने के लिए चढ़ा भाई। ये जान देने के लिए वहां पर खड़ा हुआ है। ये क्या कर रहे हो सारे? तू सारे धी कलट, तू सुसाइड क्यों कर रहे हो? मलगान मेरे दोस्त, इस टीले से कूद के अपनी जान देके भूत बन जाऊंगा, और उस भूतनी वाले तिवारी को डरा के उसके गुर्दे इतने लाल कर दूंगा, इतने लाल कर दूंगा कि वो मेरी तनख्वाह लेकर कब्र में दफन हो जाएगा साला। सारे तू पागल है रहो है? तू वाकई कब्र से तनख्वाह कैसे निकालेगो? अबे भूत बन के उसकी कब्र में घुस जाऊंगा। जाको समझा बुझा के नीचे लिया, अगर जान जान दे दी ना तो हम भी फालतू में फंस जाएंगे यार। वो कैसे चौथी फेल? अरे अगर जाने सुसाइड कर लिया ना तो पुलिस केस बन जाओ, और पूछताछ में ना पुलिस पता कर लेगी कि जब जाने सुसाइड करो ना तो हम भी जाके साथ थे, हम भी लपेटे में आ जाएंगे। बाप रे। टिल्लू माय लवली फ्रेंड, ना तू टेंशन मत ले यार। देख सुबह है ना, हम तिवारी भैया के पास में जाएंगे, बाको यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है? वो तेरी तनख्वाह दे देंगे, है ना? देख तू कूदियो मत, बिल्कुल मत कूदियो, है ना? तो को मलखान की होबे वाली बीवी की कसम। अरे यार टिया मेरे दोस्त, तूने कसम क्यों दे दी यार? चल मैं कल तक वेट करूंगा, इंतजार खत्म, टिल्लू खत्म। फिर उसके बाद तिवारी के गुर्दों में बांस घुसेड़ूंगा और अपनी तनख्वाह करूंगा हजम। अरे ना ना मरे लल्ला। सुन हा? ये भी नशे में धुत है, ठीक है ना? जब ये थोड़ी देर बाद में ना सो जाओगे ना, तुम ऊपर जाएंगे जाके पास में, सारे को दर्द पहुंचेंगे, पीछे उठा कर ले आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, सारे मुंह की संगत का सर है गो, मुंह के साथ रह कर ना तू भी इंटेलिजेंट बातें करने लगो। मैंने कहा भाभी जी क्या हलचल हो रही है? हेलो भरभूति जी। हाय।
हम ठीक बा, आप कैसे बा भरभूति जी? हम क्या बताएं अपने बारे में भाभी जी, दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते, आंखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे कितने हैं गिना नहीं सकते। खैर भाभी जी जाने दीजिए, ये बताइए कि आज कुछ खास तैयारियां चल रही हैं बिस्तर के ऊपर, ये गुलाब की पंखुड़ियां, सब खैरियत तो है? हाँ उका है ना कि आज हम लड्डू के भैया के साथ रोमांस का स्पैंकिंग कर रहे हैं। He deserve good spanking. मैंने कहा भाभी जी वो प्लानिंग कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। आज का है कि हमारा रोमांस का बहुत मूड बन रहा है। भाभी जी आपका ये उत्साह देखकर ना मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आपने कितने अरमान कितने सपने सजोए थे और ये आपके कद्दू के भैया जो हैं। लड्डू के भैया। भाभी जी एक ही बात है, एक ही बात, लेकिन माफ कीजिएगा भाभी जी, आपके लड्डू के भैया को आपके साथ रोमांस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड। हाय दिया, काहे दिलचस्पी ना ही होगा, कछु भी बोलते हैं आप। भाभी जी मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ, तिवारी ने जो आपके बारे में बोला था वही तो बोल रहा हूँ आप। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट, कहा बोले रहे वो बताइए हमको। आप मेरी बातें यकीन नहीं करेंगे भाभी जी, और फिर तिवारी जी ने दिल से थोड़ी कहा होगा, और फिर कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है, आई रियली वंडर। नहीं नहीं, अब तो हमको सुनना ही है, आपको हमरा कसम है बताइए कहा बोले। भाभी जी आपने कसम दे दी ना, अब बताना पड़ेगा। एक्चुअली तिवारी जी एक दिन कह रहे थे कि बीवी के साथ रोमांस करना इतना बोरिंग होता है, ऐसा लगता है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। मुर्गी बोले रहे? उन्होंने आपको डायरेक्टली नहीं कहा, उन्होंने जनरली जो बीवियों के बारे में टिप्पणी की थी, मतलब बीवियां ऐसी होती हैं, ऐसा ऐसा, दैट्स व्हाट ही सेड। और काका बोले हो? अभी जी वो कह रहे थे कि बीवियों के साथ रोमांस कुछ इधर ठीक है लेकिन बाद में मन उचट जाता है। तो क्या है कि रोज दाल चावल, रोज दाल चावल, रोज दाल चावल तो नहीं खा सकते ना, कभी दिल करता है बिरयानी खाने का, कभी दिल करता है शाही टुकड़े खाने का। आई डोंट नो क्या उनकी साइकी है, आई डोंट नो। कहा है ना आपको बहुत जोरों का भूख लग रहा है, ये सब बनाइए और जाके खा लीजिए, हम बुलाते हैं हमरे लड्डू के भैया को। भाभी जी वो नहीं आएंगे। कहा ना आएंगे, वो जरूर आएंगे, वो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। अब जाइए आप, हम आपसे बाद में बात करते हैं, बाय बाय। भाभी जी वो तब तक नहीं आएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। एक बार देखे तो सही कि कैसा बॉम्ब लगा के गया है ये सैया साइको। आए तेरी। ये तो बहुत बड़ा वाला बम फिट करके गया है, कैसे जगमगा रहा है, कितने टन का होगा भाई, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा। अल्लाह की भैया। हाय दिया, का हुआ ऐसा सड़ा हुआ शक्ल काहे बनाए हुए हैं? अरे क्या बताएं पगली, पेट में गुड़गुड़ाहट सी हो रही है। मत बोलो, चूरन काम कर रहा है। कौन सा चूरन? वो कहे ना कि अम्मा जी पंडित राम फल जी से ना एक चूरन मांगी थी, और वो बोली रही हमको कि ये बैल के खाने में रात। हमारा मतलब है कि आपके खाने में ना वो चूरन को मिलाकर दे दे, वो चूरन की वजह से ना रात भर आपको कछु कछु होता रहेगा। आपको कछु कछु हो रहेगा? कछु कछु नहीं, बहुत बहुत कुछ हो रहा है, ये तेरी पेट में गुड़गुड़ाहट के साथ प्रेशर बन रहा है बगली। हाँ तो ठीक बा, पहले बाथरूम हो आइए। बाथरूम हो आइए? बाथरूम नहीं जाएंगे, बाथरूम आइए। तो फिर एक काम कीजिए। क्या? अब बाथरूम में चलिए, अब बाथरूम में चलिए। कहा है ना अकी आज तो हमारा मूड बा बन रहा है बहुत ही ज्यादा,
हमारे जो रोमांस के कीड़े हैं ना वो आउट ऑफ पेट्रोल हो रहे हैं। अरे कंट्रोल होता है पगली। आ सही पकड़े हैं, चलिए ना। हमारे रोमांस के कीड़े नहीं कुल बुला रहे, हमारे पेट में कीड़े कुल बुला रहे हैं। तुम क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हेलो हेलो सक्सेना जी। भाभी जी। क्या हुआ भरभूति जी? भाभी जी लगता है आपका मूड ठीक नहीं है। हम बहुत सेट हैं। भाभी जी कहाँ सेट हैं, हम तो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, छठी तो नहीं होती है आप। अरे भाभी जी वो आप सेट कहना चाह रही हैं आप? हाँ सही पकड़े हैं। तिवारी जी दिखाई नहीं दे रहे? तिवारी जी ऑलराइट। तिवारी जी तो मूड बना के बिस्तरे में। आज तो रोमांटिक टाइम है भाई, हैं? नहीं चूल्हे में क्या रोमांस। आपको पता है वो लड्डू के भैया तो सोफे से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऐसे चिपके हुए हैं वहां जैसे अबायल के सर पे सींग। मैंने आपसे कहा था ना कि वो अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कारतूस फूक चुका है, उस दिए का तेल सूख चुका है। लेकिन क्या हुआ है उनको, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है एक के पहले ना जब भी ऐसा मौसम होता था और हम उनको बुलाते थे ना तो वो हमारी तरफ ऐसे भागकर खींचे चले आते थे। अब पता है कैसे, जैसे मक्खी को गुड़ का पता दे देते हैं ना, अब बिल्कुल वैसे। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग। अब उनको आप में जरा सा इंटरेस्ट नहीं भाभी, जरा सा इंटरेस्ट नहीं। आप जैसी हुस्ने बहारा के लिए उनके दिल में जरा सा भी प्यार नहीं है भाभी जी। जितना भी रुझान था वो सब खत्म हो चुका है, फिनिश। तो अगर वो हमसे प्यार नहीं करते हैं तो फिर हम इतना लंबा जिंदगी कैसे काटेंगे उनके साथ? भाभी हम तो कब से अपने मोहब्बत का सावन बरसाने के लिए रेडी बैठे हैं। एक बार अपने प्यार की बिजली कड़कड़ा कर देगी ईमान से भरभरा के बह जाएंगे यहीं पे ही। आप क्या बोले? अभी जोक्स अपार्ट, देखिए आपकी जिंदगी में एक ही चॉइस है। आप अपने बारे में सोचिए। जब तिवारी जी अपने बारे में सोच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? व्हाई नॉट यू? कहाँ सोचे? भाभी जी आप तिवारी जी को लात मार के निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए अपने आप से। खबरदार आज के बाद ऐसा बात भी किए ना आप भरभूति जी तो फिर हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। हम अपने पति को बहुत सस्पेक्ट करते हैं। सस्पेक्ट करने लायक है भी वो, आप रिस्पेक्ट कहना चाह रही हैं? आ सही पकड़े हैं। हम लड्डू के भैया को बहुत इज्जत करते हैं और लात से का हाथ से भी और कोनो भी तरह से हम उनको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। अब आप जाइए, आप भी सो जाइए, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा आपको। गुड नाइट। निमोनिया मुझे नहीं होगा, तिवारी जी को होगा। जिसके बम के नीचे बम लगा हो उसको नींद क्यों आएगी।